तो ये आपका 21 नवंबर का न्यूज है। अच्छा पीडीएफ नहीं दिख रहा सर। एक सेकेंड। अभी दिख रहा। यस सर। अच्छा देखिए, ये जब आप पेपर देखिएगा ना, फ्रंट पेज, आज का जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज भी ही ये न्यूज है। तो गवर्नर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा आर्टिकल का, 200 का। तो उसी के लेके कुछ जजमेंट, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। अब इसका डिटेल्स आएगा एडिटोरियल में, फिर हम लोग डिटेल्स में जाके देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है आर एन रवि। तो हो क्या रहा है वहां पे, लगभग साल भर से 10 बिल जो है भेजा गया है इनको असेंट के लिए, किनके पास, गवर्नर साहब के पास। अब ये बिल को क्या कर रहा है, विथहोल्ड कर दिए, अपना असेंट नहीं दिए। फिर उसके बाद क्या किया, इसको रिकंसिडर के लिए भेज दिए। कहाँ भेज दिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो देखो, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दिया और फिर उसके बाद बिना अमेंडमेंट या अमेंडमेंट के फिर से लेजिस्लेचर अगर भेज दिया किसके पास, गवर्नर साहब के पास, तो गवर्नर साहब की क्या ड्यूटी है कि उनको साइन करना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि जब हम रिकंसिडर करके फिर बिल को भेजते हैं सिग्नेचर करने के लिए गवर्नर साहब के पास, तो उस बिल को किसके तरह माना जाता है, मनी बिल्स की तरह ही माना जाता है। मतलब कि मनी बिल्स को क्या कर सकते हैं, आप फिर से रिटर्न नहीं कर सकते हैं, और आप वहां पे क्या करिएगा, अपना एसेंट दीजिएगा ही। तो ये किस में लिखा है, आर्टिकल 200 में, जैसा कि कल देखे थे हम लोग डिटेल्स में, है ना। तो इन्होंने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस और हाउस विथ और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट, द गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम। तो वही बातें हैं कि गवर्नर जो है अपना असेंट नहीं विथहोल्ड कर सकता है, नहीं रोक सकता है, इन्होंने बोला है, ठीक ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आई बात ये। अगर कल वाला ये न्यूज याद होगा, आर्टिकल 200, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जब दिक्कत है किसी को बताओ, दिक्कत नहीं सर, है, ठीक। नहीं सर, नहीं एक, हो ठीक, गया एक तो। न्यूज देखिए, ये आईआर का न्यूज है, किनका है, बांग्लादेश का। अच्छा देखिए, इसे अगर पूछेगा आपसे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किस पे टिका हुआ है, क्या बोलोगे, आरजीएम। आरजीएम क्या होता है, रेडीमेड गारमेंट्स, समझते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, ये जो हम लोग कपड़ा खरीदते हैं हाँ ना सर, हाँ बाजार, वो सिला हुआ, तो वही है रेडीमेड गारमेंट्स। तो वहाँ के जो वर्कर्स है ना, जो लेबर फोर्सेज हैं, तो वहाँ के क्या किए हैं ना, उन लोगों ने स्ट्राइक किया है बहुत बड़ा, ठीक है। अब स्ट्राइक किए हुए हैं 19 नवंबर को, मतलब 2 दिन का स्ट्राइक किया। एक्चुअली इसमें क्या चीज का स्ट्राइक किया गया लेबर वर्कर्स के द्वारा, तो उनकी जो सैलरी है, ठीक ना, उसमें क्या किया जाए, ट्रेवलिंग किया जाए। ट्रेवलिंग मतलब होता है 3 गुना। तो जो उसका मिनिमम वेजेस है ना, 8,000 है मिनिमम वेजेस। तो अच्छा, वहां पे करेंसी को क्या बोलते हैं, टका, ठीक ना, टका। बांग्लादेश के हाँ करेंसी को बोलते हैं टका। तो 8,000 उसका मिनिमम वेज है, तो इनको कह रहा है कि आप ट्रिपल कर दो, ट्रेवलिंग कर दो। इसी चीज को लेके हड़ताल की गई है, ठीक है। तो अब देखिए, हड़ताल की गई है किसके अगेंस्ट में किया गया है, तो वहां की जो सरकार है, तो वहां की सरकार कौन है, आवामी लीग, ये उनकी पार्टी है। और जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है वहां पे, मिनिस्टर शेख हसीना, नाम सुनेंगे आप लोग। तो इनको मतलब डिमांड किया है कि इनको क्या करना चाहिए, अपना सरकार से इस्तीफा देने के लिए, लेबर वर्कर्स जो है किसके थ्रू, जो वहां का अपोजिशन पार्टी है उसके थ्रू क्या कर रही है कि डिमांड कर रही है कि तुम सरकार से इस्तीफा दो,
ये चीज का डिमांड चल रहा है। क्यों इस्तीफा देने के लिए? कि भाई हमें जो मिनिमम वेज है हमारा उसको क्या करो, 3 गुना कर दो। अच्छा मिनिमम वेज समझते हो क्या होता है? जैसे मिनिमम सैलरी होता है ना, एक कम से कम जो सैलरी होती है वही है। अच्छा अब देखिए कि बांग्ला ये जो फास्ट फैशन, अच्छा फास्ट फैशन देखो एक वर्ड यूज हुआ है। फास्ट फैशन का मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग कपड़ा क्या करते हैं, एक कपड़ा होता है कि जैसे वो कपड़ा बनने के बाद क्या होता है, जैसे कलर हुआ कुछ दिन तक उसको स्टोर किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उस पर प्रेस किया गया, फिर उसके बाद मार्केट में आता है तो उसमें टाइम लगता है। एक होता है फास्ट फास्ट फैशन। फास्ट फैशन में क्या था, कपड़ा बना, कलर दिया और मार्केट में चला आया, तो वो कपड़ा सस्ता होता है। जैसे कुछ कपड़ा देखो बहुत सस्ता होता है, कुछ कपड़ा बहुत महंगा होता है, वो वही डिफरेंस है। जो फास्ट फैशन है ना, लोगों की डिमांड ज्यादा है तो उतना वेट नहीं कर सकता, तो कपड़ा बन के तैयार हुआ और मार्केट में चला आता है। तो कहता है कि बांग्लादेश के इकोनॉमी में इस फास्ट फैशन का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए वर्ल्ड में, ठीक ना, जो फास्ट फैशन है, जो कपड़े का टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, तो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, ठीक ना, वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे। पहले पे कौन है? चाइना है। तो ये जो रेडीमेड गारमेंट होता है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, और एक नंबर पे है चाइना। तो कंट्री का जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश का, 85% कहाँ से है? रेडीमेड गारमेंट, समझे। तो 2022 में इसने कितना कमाया? 55 बिलियन डॉलर। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड का जितना मार्केट होता है उसमें 8% योगदान है किसका? बांग्लादेश का। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो मतलब समझे कि 85% जो एक्सपोर्ट है ये टेक्सटाइल से ही करता है, रेडीमेड गारमेंट से। कौन? बांग्लादेश। इसका मतलब कि बांग्लादेश किस चीज पे टिका हुआ है? रेडीमेड गारमेंट पे, रेडीमेड गारमेंट्स ठीक। अब देखिए इसका मेन मार्केट कहाँ कहाँ है बांग्लादेश का, तो यूएस में है, यूके में है, यूरोप में है, कनाडा में है, और जो सबसे टॉप कंपनी है उसका वहां का, मतलब वहां का नहीं, वहां जो कंपनी बनती है वो है H&M। आप लोग सुने होंगे H&M का कपड़ा आता है, हाँ एच सर एन हाँ एम ठीक है, ये सबसे टॉप इम्पोर्टर है। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन है? लेवाइस और जारा, ठीक ना, मतलब वहां से बन, मतलब बांग्लादेश में बनता है, वहां से फिर ये लोग इम्पोर्ट करता है, H&M कंपनी वाले, लेवाइस जारा। चलो अब देखो क्या है, तो क्या कहते हैं, 4,000 जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है RMG सेक्टर में, तो वो जनरली क्या है, लार्जली स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है। ये समझते हैं क्या होता है लार्ज एंड स्मॉल, लार्जली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। जैसे एक होता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है हैवी इंडस्ट्री जिसमें स्टील बनता है, लोहा निकलता है, तो ये क्या है, मीडियम इंटरप्राइजेज है जिसमें टेक्सटाइल वगैरह आता है। अब देखिए मेनली इसमें जो है RMG में जो है, मतलब गारमेंट्स में मेनली एम्प्लॉयमेंट किसको है? वोमेन को दिया गया, वहाँ की वोमेन जो है ना वो पार्टिसिपेट है इसमें, ठीक ना, जो ग्रामीण है, खास करके शहरी कम है, ग्रामीण ज्यादा है। उसके बाद जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, तो ये टेक्सटाइल बिजनेस जो है ना, मतलब ये RGM रेडीमेड गारमेंट, तो ये जो है जो वहाँ की गरीबी को घटाने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है RGM का। कितना है? तो 1991 में था 44% गरीबी वहां पे बांग्लादेश में, और 2022 में क्या किया, 5% पे ले आया, समझे। तो 44 से सर सीधे 5%, बहुत बढ़िया। समझे, हाँ, हाँ तो सर, बहुत हाँ बड़ा बदलाव है वहां पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है वहां की इकोनॉमी। अब देखिए अब समझते हैं कि रेडीमेड गारमेंट और कार्बन इमिशन का क्या रिलेशनशिप है। जैसे इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज में यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में यूज कर सकते हैं इस लाइन को यहाँ से। तो कहता है कि जो यूएन, यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने क्या बोला कि कहीं भी फैशन इंडस्ट्री है तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस समझते हैं ना आप लोग, 2 दिन पहले आर्टिकल में आया था ग्रीन हाउस गैस के बारे में। देखो यही होता है, पेपर जब आप पढ़ोगे ना डेली तब फिर चीजें आपको समझ में आएगी।
क्या कह रहा पेपर में, क्योंकि पेपर जो जो उसमें आर्टिकल आता है वो क्या आता है, मतलब एक सीक्वेंस में आता है, क्रम में आता है। तो क्या बोला यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने कि 28 का जहां कहीं भी फैशन इंडस्ट्री है तो वहां पे 28% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होता है वो यही रीजन है, कौन, रेडीमेड गारमेंट्स, इसी की वजह से होता है। और कहता है कि मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ये क्या है कि क्लाइमेट जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, जो मतलब पर्यावरण में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है योगदान किसका है, आरजीएम का है, रेडीमेड गारमेंट का, समझे। क्योंकि बड़े बड़े मतलब वहां पे मशीन लगाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन, वहां से CO2 गैस ये सब मिथेन बहुत सारा निकलता है, इसलिए। अच्छा, पानी का बहुत यूज होता है कपड़ा बनाने में। अब देखो बांग्लादेश में क्या है, द टेक्सटाइल एंड आरएनजी सेक्टर कंबाइंड, ये अकेले मिलके जो है 2020 में, ठीक ना, 2020 में जितना बांग्लादेश में पोल्यूशन हुआ उसका 1/4, 1/4 अकेले यही रिस्पॉन्सिबल है टेक्सटाइल, ठीक है। और अगर दशक की बात करेंगे, मतलब 10 साल में, तो 8% CO2 बढ़ा है वहां पर बांग्लादेश में। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके अनुसार क्या कहता है कि ए डोनर बेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रियलाइज देयर डीकार्बोनाइजेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस मेजर्स, बांग्लादेश आरएनजी फैसिलिटीज आर नॉट ऑपरेटिंग एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूसेज ऑफ ओल्ड एंड बैडली मेंटेन मशीन्स। अब देखो ये क्या कर रहा है कि वहां पे इतना जो है पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है, मतलब वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सि मतलब वहां जो CO2 ज्यादा रिलीज हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वहां जो मशीन यूज हो रहा है ना अभी भी, तो वो क्या है, बहुत पुराने मशीन है, मतलब नया टेक्नोलॉजी नहीं लगा। नया टेक्नोलॉजी लगाएगा जैसे, अब देखो क्या बोलता है कि जैसे अगर आपको फ्यूल दे, जैसे मशीन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, बिजली यूज करते हैं, तो बिजली यूज करेगा तो कोयला से वहां बिजली बन रहा तो वो पॉल्यूशन फैल रहा है, लेकिन अगर हम सोलर प्लेट लगा दें, ठीक ना, सोलर एनर्जी का यूज करें तो क्या होगा, पॉल्यूशन घट जाएगा। लेकिन वहां क्या है, जो मशीन है वो पुराने पैटर्न वाला है, तो अभी भी उसमें बिजली वगैरह कोयला से चलता है, ये चीज है, इसी की वजह से ये मतलब वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। फिर इसका क्या कहता है, मैन्युफैक्चर फेस सेवरल बैरियर्स टू इन्वेस्टिंग इन एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग एनी एडिक्वेट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और उसके बाद और क्या है कि ये आरएमजी मैन्युफैक्चर जो है इनके पास पैसे की भी दिक्कत है, जितना फाइनेंशियली हेल्प मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उसके बाद जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उसकी कमी है, उसके बाद लैक ऑफ इनेबलिंग एनवायरमेंट, तो वैसा एनवायरमेंट भी नहीं मिल रहा, इसी के वजह से वहां पे इतना CO2 रिलीज हो रहा है। फिर इसके बाद अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो जो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट, अच्छा सर्टिफाइड, यहाँ दोनों एक साथ सर्टिफाइड आरएनजी, तो US के द्वारा जो सर्टिफाइड दिया गया है आरएनजी सेक्टर को, तो अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट वाला मैन्युफैक्चरिंग जो है बांग्लादेश ही है, इतना होने के बावजूद वर्ल्ड में। तो अगर जैसे अगर कह रहा है कि 4,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जिसमें से 202 के पास क्या है, 202 फैक्ट्री के पास क्या है, बहुत अच्छे फैसिलिटीज हैं जो कंट्री का 15% क्या कर सकता है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसे अचीव करने में कितना, कब तक अचीव करेगा, तो 2030 तक। अब देखिए अब ये क्या है, एडिटोरियल है, तो आपको क्या है ना कि बस दिमाग में रखना है, जिसे सुन लिए समझ गए, तो जब आप पीटी एग्जाम दे दोगे ना, जब मेंस दोगे, तो पीटी एग्जाम देने के बाद फिर से इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, तब चीजों को एकदम याद करके रखेंगे। हाँ, इसका आप एक चीज कर सकते हैं, इसको क्या करिए ना, इसमें जो डेटा सब यूज हुआ है ना, तो वो डेटा को आप एक शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं, ये काम दे सकता है आपको कहीं भी, ठीक है ना। अब ये नहीं कि एकदम सब कुछ एकदम अब रटना है, बस दिमाग में समझ के रखना है, वो पीटी के बाद फिर इस पर तैयारी की जाएगी। किसी को समझ में नहीं आया तो बताया करो, नहीं सर, बोलते तो मुझे, हाँ बोलो। ये वाइल्ड 202 फैसिलिटी से जो लाइन है ना सर, मुझे वो नहीं समझा, आप एक बार रिपीट करिए ना इसे। कहाँ से, वाइल्ड अच्छा टू जीरो टू नहीं वो कुछ फैसिलिटी नहीं, आउट ऑफ मोर देन 4,000 ऐसा हाँ कुछ। कह रहा है कि जैसे 4,000 मान चलो फैक्ट्री है, तो 4,000 फैक्ट्री में
202 फैक्ट्री के पास ही क्या है, अच्छी फैसिलिटीज है कि मतलब CO2 कम निकलेगा, अच्छा वहां पे टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ये सब चीज। तो कह रहा कि तो इसके वजह से क्या होगा, 15% जो है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन होगा, ग्रीन हाउस गैस घटेगा 15%, लेकिन ये घटने के लिए 2030 तक जाना पड़ेगा बांग्लादेश को, ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये न्यूज़ देखो, अगर आप लोगों के पास पेपर होगा ना, पेपर देखना, आई थिंक मतलब द हिंदू का आज का सबसे टफेस्ट एडिटोरियल यही होगा। तो देखो इसमें ना एक चीज का जिक्र किया है, लैंगलैंड्स कीवर्ड्स, लैंगलैंड्स प्रोग्राम। अब इसमें जब आप देखोगे, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, अब ये क्या है ना कि बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, ठीक ना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आप लोग से, डोंट वरी। अब अगर इसे आपको समझना है तो कम से कम आपको MSc करना पड़ेगा मैथ से, ठीक ना। तो मुझे भी इतना नहीं है ये जानकारी, लेकिन हाँ आप ये एग्जाम में जितना पूछेगा उतना मुझे आता है। तो देखो ये जो है लैंगलेट्स प्रोग्राम क्या है, वर्ल्ड का बिगेस्ट मैथ प्रोजेक्ट। तो ये लैंगलेट्स है क्या प्रोग्राम, तो सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, 5 साल पहले जो है 2018 में डॉक्टर रॉबर्ट लैंगलेट्स हैं, ठीक ना, आई थिंक ये इटली के थे, यहाँ पे तर्किश नोबेल, रॉबर्ट लैंगलेट्स कहाँ का ये नाम नहीं लिया, ठीक ना। तो ये जो है डॉक्टर लैंगलेट्स, तो इनको जो है ना एबल प्राइज मिला था, ABEL है, ठीक ना, क्या मिला था, एबल प्राइज। और ये एबल प्राइज क्या होता है, मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज होता है, ठीक ना, एबल प्राइज। तो इन्हीं को मिला था डॉक्टर लैंगलेट्स को 2018 में, ठीक ना। किस चीज के लिए मिला था, फॉर हिज विजनरी प्रोग्राम कनेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन थ्योरी टू नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी समझते हैं क्या होता है, आप लोग समझते होंगे मैथ के जो स्टूडेंट हैं, जैसे नंबर्स संख्या और संख्या के बीच में जो रिलेशंस होता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं नंबर थ्योरी। जैसे एक पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे ये है ना, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी क्या होता है, स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम ये, ठीक ना, ठीक पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में आई थिंक है ये। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है, नंबर थ्योरी यही होता है कि नंबर्स और नंबर्स के बीच जो रिलेशन होता है इसी को बोलते हैं नंबर थ्योरी। अब इन्होंने देखो काम क्या किया है, तो इन्होंने काम किया रिप्रेजेंटेशन थ्योरी एंड एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी, लैंगलेट्स प्रोग्राम इज ए वेव ऑफ फार रीचिंग एंड कॉन्सिक्वेंशियल कंजेक्टर्स अबाउट कनेक्शंस बिटवीन द नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री। और देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये एक वर्ड है कंजेक्टर्स, तो कहता है कि नंबर थ्योरी के बीच, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री के बीच, क्या कह रहा है, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो इस चीज को दिखा रहा है कंजेक्टर्स। कंजेक्टर्स क्या दिखा रहा है, तो कंजेक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में क्या है ना कि बहुत सारे थ्योरी हैं, जो थ्योरी दिया गया है, जैसे मान लो कि एक्स बराबर टू प्लस ए, कुछ भी मान लो, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन दिए गए हैं, वो इक्वेशन सही है लेकिन उस इक्वेशन का अभी तक जो है प्रूफ नहीं है। तो ऐसे चीज को सॉल्व करता है ये कंजेक्टर्स। आई बात समझ में, जैसे रामानुजम के बारे में अगर आप लोग देखे होंगे मूवी, तो रामानुजम साहब बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंडिया मतलब इंडिया के ही हैं, वर्ल्ड में इनका नाम था है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन दिए हैं जो इक्वेशन सही है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया बहुत लोग, तो ऐसे चीज को सॉल्व करता है, मतलब जो नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री के बीच में अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो उसी को सॉल्व किया जाता है ये लैंगलेट्स प्रोग्राम के अंदर। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया, आगे ठीक है बस इतना रखिए काफी है, ठीक ना। पूछ सकता है कि लैंगलेट्स प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से ज्यादा ज्यादा पूछेगा नंबर थ्योरी क्या होता है सब। चलो एक न्यूज देखो, आई थिंक एक न्यूज और रही है क्या, नहीं ठीक,
ये देखिए साइंस का न्यूज है। तो इनर्जी बर्स्ट इन डिस्टेंट गैलेक्सी डिस्टर्ब आयनोस्फीयर, इसमें किस चीज का बात किया गया है? इसमें बात किया गया ये गामा रे बर्स्ट, बर्स्ट मतलब BURST। अच्छा देखो क्या चीज, पहले आपको फिगर में देखिए, अगर आप लोग सुने होंगे कि जो स्टार होता है, स्टार का जो आखिरी स्टेज होता है तो वो क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो वो ब्लास्ट बनता है ना, वो क्या होता है, सुपरनोवा स्ट्रक्चर। तो जब वो ब्लास्ट करता है तो क्या करता है, तो ब्लास्ट करता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो ब्लास्ट करता है ना, कहता है कि उसी का कनेक्शन किससे है, ब्लैक होल से कनेक्शन है। तो जब ये ब्लास्ट करता है ना, तो बहुत सारे गामा रेज निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बहुत सारे गामा रेज निकलते हैं। और कहता है कि ये गामा रेज इतना एनर्जी होता है कि अगर सूर्य जो है, अगर वो एनर्जी रिलीज करे तो उसे बिलियन ईयर्स लग जाए। समझ रहे बात को, कि ये जो बर्स्ट करता है ना स्टार, तो इतना एनर्जी रिलीज करता है, अगर सन उतना रिलीज करेगा तो उसको बिलियन ईयर्स लग जाएगा। तो और ये गामा रे क्या कर रहा है कि बिलियन ईयर से चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और 2019 में क्या हुआ कि अर्थ का जो आयनोस्फेयर है वहां जाके ये टच किया है, मतलब उस लेयर पे ये गामा रे पहुंचा है। अब देखो यहाँ बहुत सारे कल्पना इमेजिन किया गया है कि अगर गामा रे जो है टच करेगा आयनोस्फीयर के, अर्थ के आयनोस्फीयर को, तो क्या होगा, आयनोस्फीयर डिस्टर्ब हो सकता है। अभी आगे समझेंगे क्या होता है। तो अब देखो क्या लिखा है टेक्स्ट में, उसको समझते हैं। कहता 2 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ कि हमारे मिल्की वे से बहुत दूर एक गैलेक्सी में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा स्टार क्या हुआ, ब्लास्ट किया, मैसिव एक्सप्लोशन किया। तो मैसिव एक्सप्लोजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। और इसमें क्या होता है, ह्यूज बर्स्ट ऑफ गामा रेज। तो बहुत बड़े संख्या में क्या होता है, गामा रेज रिलीज होता है। कहता है विच पैक द मोस्ट एनर्जी ऑफ एनी वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है तो इसमें सबसे बड़ा एनर्जी ये रिलीज करता है, ठीक ना। अब कहता है कि दोज वेव्स, अब ये वेव क्या किया, कॉस्मोस मतलब स्पेस को पार करते हुए कहाँ पहुंचा, अर्थ के लास्ट लेयर। तो देखिए अब कहता है कि गामा रे जो है बर्स्ट किया, तो रिसर्चर्स का मानना है कि इस सिग्निफिकेंट डिस्टरबेंस इन द अर्थ्स आयनोस्फीयर। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है कि जो अर्थ का आयनोस्फीयर है वहां पे बहुत बड़ा डिस्टरबेंस या बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अब देखो आयनोस्फीयर होता क्या है, जैसे हम बताए थे कि अर्थ है ये, और अर्थ के चारों ओर जो 15 किलोमीटर होता है क्या होता है, एटमोस्फेयर होता है ना, या नहीं होता, हाँ 15 किलोमीटर नहीं, बहुत दूर तक होता। तो अब देखिए अगर आप जाएंगे ना अर्थ सरफेस, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से जाइएगा 50 से 950 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का अगर जाइएगा तो हमारा क्या है, आयनोस्फीयर है। चलिए आयनोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आयनोस्फीयर है क्या। एक्चुअली आयनोस्फीयर ही क्या है, हमारा बाउंड्री को रिलेट करता है। बाउंड्री मतलब स्पेस, मतलब अंतरिक्ष और हमारा जो अर्थ है, इस दोनों के बीच को जो बाउंड्री डिसाइड करता है वो कौन है, आयनोस्फीयर। क्लियर है ये, बोलो हाँ या नहीं। आयनोस्फीयर क्या है, हमारा स्पेस और अर्थ के बीच में जो बाउंड्री है वो है आयनोस्फीयर। आई बात समझ में, हाँ या ना बोलो। जैसा अब उसके बाद देखो 13 मतलब अब 9 अक्टूबर 2022 को जो ये गामा रे जो पहुंचा आयनोस्फीयर पे, तो 13 मिनट तक रहा था हमारे एटमोस्फेयर में गामा रे। अच्छा अब देखो आयनोस्फीयर का और क्या काम है, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इसका रोल है। क्या चीज में रोल है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, टाटा स्काई चला है, टीवी देख रहे हैं, ये जो देखते हैं, तो ये आयनोस्फीयर का ही कमाल है। कोई बता सकते हो कैसे ये काम करता है? नहीं पता। जैसे अर्थ से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ जाता है, आयनोस्फीयर, और फिर यहाँ से रिटर्न होके आता है कहाँ पे, जहां जहां हमारे स्टेशन लगा हुआ,
वो रिसीव करता है, जहां जहां टावर है ना लगा हुआ, बीएसएनएल है, एयरटेल है, वो टावर रिसीव करता, फिर हमारा काम करता है फोन टेलीफोन ये सब, समझे। आयनोस्फीयर का क्या काम है? कम्युनिकेशन। और क्या काम है देखिए, तो जो आयनोस्फीयर है ना, ये हमारे अर्थ पे जो लाइफ है इसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब अर्थ पे जो जीवन है उसे भी प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो जो सन से यूवी रे निकलता है, अगर यूवी रे हमारे बॉडी में डायरेक्ट पास करेगा ना, तो पता है क्या होगा, हमारे बॉडी के आर पार कर देगा, हड्डी को भी आर पार कर देगा, कैंसर हो सकता है। तो ऐसे हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो सन से निकलता है, इसे प्रोटेक्ट हमारा कौन करता है? यही आयनोस्फीयर है जो अर्थ में। तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ, अगर अर्थ से स्फीयर देखिएगा, तो अर्थ है, अर्थ के पहला जो स्फीयर है कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर, फिर ट्रोपोपाउज, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, ये स्ट्रेटोस्फीयर, इसी स्फीयर में देखिए ये चलता है एरोप्लेन, फिर है ओजोन लेयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर है आयनोस्फीयर। 350 किलोमीटर पे क्या है? आयनोस्फीयर। और यहाँ से हमारा क्या होता है? स्पेस चालू हो गया, अंतरिक्ष। तो आयनोस्फीयर क्या करता है? हमें जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करता है। हम कौन सा हार्मफुल रेडिएशन? जो सन से यूवी रे निकलता है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो आयनोस्फीयर है ना, क्या है? सेंसिटिव टू चेंजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडीशंस इन स्पेस, यूजुअली कनेक्टेड टू द सोलर एक्टिविटी। तो कहता है ये आयनोस्फीयर बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब सेंसिटिव मतलब सोलर एक्टिविटी को लेके। अगर सन में क्या हुआ, अगर सन का रेडिएशन निकला यूवी रे, तो उसके अनुसार इसमें चेंजिंग होता है एनोस्फेयर में। तो इसलिए कह रहे वो सेंसिटिव है, किसको लेके? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडीशंस स्पेस में, लेकिन किससे रिलेटेड? सोलर एक्टिविटीज। अच्छा, अब देखो कह रहा है कि अगर ये गामा रे बर्स्ट किया, ठीक है, तो अर्थ पे कहता है नॉट काउज डिलीटेरियस इफेक्ट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो कहता कि अर्थ पे जो लाइफ है ना, इसे कोई मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाया, बस इमेजिन किया जा रहा है, हाइपोथाइज इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मतलब ये गामा रे जो है अगर अर्थ पे आएगा तो क्या होगा। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, हार्मफुल यूवी रे, वो क्या होगा, बहुत सारे संख्या में मतलब एक हैवी अमाउंट में आ जाएगा अर्थ पे। तो अगर आ गया तो फिर बहुत लोग मर जाएगा अगर सही में आ गया। लेकिन कह रहा है कि प्रोबेबली संभवतः ये क्या है, रियली नेग्लिजिबल, मतलब माना जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अब इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक ना, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत कम होगा अर्थ पे, इसीलिए अगर इफेक्ट ज्यादा आएगा तो उड़ा देगा अर्थ को, साफ कर देगा, राख कर देगा गामा रे। गामा रे बहुत डेंजरस होता है, जो बॉडी को पार कर सकता है, समझ रहे हो ना क्या हो सकता है जी? समझ में आई ये न्यूज़? नहीं आई? एकदम सिंपल वे में हम समझा है, अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी में समझाते तो आप लोग फिर डिस्टर्ब होते। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा समझ में गया तुम पूनम? सर, मुझे ये थोड़ा थोड़ा समझा, क्या मेरे भी दिक्कत सर, थी? मुझे भी थोड़ा थोड़ा आया। नहीं, क्या दिक्कत क्या हुआ बताइएगा ना। गामा चलो, रे क्या होता है ये सब, ये और ब्लैक होल? स्टार्टिंग में आपने हाँ बताया ना ब्लैक होल बर्स्ट करता है फिर हाँ उसके। ये भी नहीं। चलिए चलिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कहानी की तरह। देखो, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये क्या होता है? तो आप इतना समझिए कि रेडिएशन जो है ना, अल्फा रे से ज्यादा होता है बीटा का, बीटा से भी ज्यादा रेडिएशन किसका होता है? गामा रे गामा का। अल्फा रे जैसे ये सब क्या होता है, जैसे आप एक्सरे करवाते हैं तो वहां अल्फा रे यूज होता है, समझ रहे हैं? तो गामा रे का रेडिएशन क्या होता है? बहुत हैवी होता है, बहुत फास्ट होता है, कोई भी मतलब उस रे को अगर कहीं से भी पास कराएंगे तो क्या कर सकता है, आर पार कर सकता है, आप इतना समझो, ठीक है। अब देखो, स्टार जब बनता है, स्टार बन गया, हर चीज का एक क्या होता है, एज होता है। जब लास्ट स्टेज आता है स्टार का, तो वो क्या होता है, ब्लास्ट करता है। क्या करता है? ब्लास्ट करता है। जब ब्लास्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। अगर कोई चीज ब्लास्ट किया तो उसे लाइट निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा निकलेगा, स्टार है। तो जब लाइट निकला तो उसमें से निकलता है क्या? गामा रे। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में निकला है गामा रे, तो इसलिए बोलते हैं गामा रे बर्स्ट। बर्स्ट मतलब होता है धमाका, ठीक है। तो गामा रे निकला,
और ये गामा रे हमारे कहाँ पे पहुंचा है, अर्थ का जो स्फेयर है, जो आयनोस्फेयर है हमारे अर्थ पे, वहां जाके रीच किया। अब है समझना कि आयनोस्फेयर क्या होता है, तो आपको सिंपली समझना कि आयनोस्फेयर जो हमारे अर्थ पे है वो हमें सन के यूवी रेडिएशन से बचाता है। क्या चीज से बचाता है? यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन क्या होता है? तो यूवी रेडिएशन अगर हमारे पृथ्वी पे आएगा तो सारे चीज को जला देगा, अगर हमारे बॉडी में पास करेगा तो बॉडी को क्या करेगा, कैंसरस काउज कर देगा। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशन है ना सन का, इससे हमको बचाता है आयनोस्फेयर। तो वही कह रहा है कि अगर आयनोस्फेयर पे गामा रे आएगा तो क्या होगा कि जो यूवी रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी पृथ्वी पे। तो अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे लाइफ को हानि होगा। सिंपल। अब आई बात समझ में? यस तो चलिए, तो जिनको अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल।